भिवानी पुलिस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर संजीदा है। नए नियमों को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने ऑटो चालकों के साथ बैठक की, ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया, उन्हें नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दिए। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ऑटो चालकों को जो नया मोटर व्हीकल केंद्र सरकार ने लागू किया है 1 सितंबर से, उसके बारे में इनको जानकारी दी है कि इसमें फाइन ज़्यादा हो गया, अपने नियम का फॉलो करके चलेंगे। जो नियम अब नए जुर्माने के हिसाब से बनाए हैं तो बहुत ही ज़्यादा जुर्माना है, तो आम इनको जो पहले इनको जागरूक किया जा रहा है इस बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जो नया लागू किया है इसके बारे में पहले अभी 1 हफ्ता जागरूक करेंगे इनको। ऑटो चालकों ने भी पुलिस को ट्रैफिक नियमों के पालन करने का आश्वासन दिया है। अब माननीय अब केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से जो नियम लागू किए हैं उसके बारे में SHO श्री सुभाष चंद्र जी, इंटरसेप्टर के इंचार्ज श्री तेजवीर सिंह जी, दोनों टीमें आई थी और सभी ऑटो वालों को बताया था कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास नहीं है तो 5,000 रुपये का चलान है, बीड़ी पिए यदि ऑटो में पाए गए तो उसका 1,000 रुपये का चलान है, मोबाइल फ़ोन सुनोगे उसका भी 2,000 रुपये का चलान बताया, दारू पीते 10,000 रुपये का चलान बताया और सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप अपने हिसाब से ऑटो चलाएं और दाएं साइड में सभी ऑटो एक रो में चलें। भारी जुर्माने से बचने के लिए लोग नए नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक नियमों पर अमल किया जाए तो सड़क हादसों में काफी कमी आएगी। R9 TV के लिए भिवानी से जगबीर घणघस की रिपोर्ट।